हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। दिस इज़ माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू, डू यू रियली प्रे टू गॉड? व्हेन यू प्रे टू गॉड, डू यू आस्क फॉर समथिंग और डू यू जस्ट थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग? आई नो दैट यू आस्क फॉर समथिंग, राइट? हम सभी भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि आई वॉन्ट दिस, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, कंप्लेन्स एंड डिमांड्स। बट वी फॉरगेट दैट व्हाट वी हैव इज मच मच मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट वी डोंट हैव, राइट? सो मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाली हूँ जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी रिलेटेड है। So if you want to know about law of attraction, then this is a bit connecting to law of attraction. So एक बार क्या हुआ कि गणपति गणेश चतुर्थी के पहले, एक दिन पहले मुझे चार पांच वीडियोस एक साथ शूट करने थे, ठीक है? और अचानक से माइक मेरे बच्चे के हाथ से गिर गया और गिर गया, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। फिर माइक कनेक्ट नहीं हो रहा था, अब माइक के बिना शूट करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी क्या करते हैं। अभी मैं थोड़ा अपसेट हो गई थी कि अरे यार, अभी शूट कैसे करूँगी, वीडियोस कैसे अपलोड करूँगी, आप सभी को वीडियोस देखने होते हैं तो कैसे करूँगी। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, आई थॉट आई जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस फॉर अ वाइल। मैंने पहले सोचा कि चलो ठीक है, मैं स्ट्रगल करती हूँ, थोड़ा रिपेयर करने को देती हूँ। आई ट्राई टू गिव दिस टू रिपेयर। दे सेड कि गणेश चतुर्थी के बाद आओ, सो आफ्टर गणेश चतुर्थी यू विल गेट इट डन। आई थॉट चलो ठीक है, आई हैड अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि चलो हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मेरे मन में यही था कि माइक ठीक हो जाएगा, किसी तरह ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी हम गणेश चतुर्थी को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। तो मैं पूरी तरह से एंजॉय करने लगी, गणपति के सारी तैयारी किया, मतलब सब कुछ किया, हम सभी ने फुल फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत एंजॉय किया और इसके बारे में तो भूल ही गई। और मैंने कुछ मांगा भी नहीं था कि भगवान जी मुझे मेरा माइक रिपेयर करके दे दो या ऐसा कुछ। तो मैंने बस भगवान जी से यही मांगा कि बहुत अच्छा जा रहा है, सब अच्छे हैं, मेरे आसपास के लोग सब अच्छे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल लाइफ। आई जस्ट had that feeling of gratitude. और फिर क्या हुआ, फिर मेरा 1.5 डे का विसर्जन हो गया हमारा गणपति का, और फिर वापस मैं यहाँ पे आ गई घर पे। और मैंने सोचा चलो वापस कनेक्ट करके देखते हैं माइक को, एंड ऑटोमेटिकली इट स्टार्टेड वर्किंग। आई डोंट नो हाउ, मे बी इट वॉज माई मिस्टेक, आई थॉट आई डिडंट चार्ज माई माइक और समथिंग, और मे बी बिकॉज ऑफ सम मतलब माइक को थोड़ा ब्रेक चाहिए होगा शायद। कंटिन्यूसली आई यूज टू यूज़ माई माइक, सो मे बी माइक वॉज यू नो नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ दैट। और सडनली इट स्टार्टेड वर्किंग, आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो हाउ, इट जस्ट वर्कड। कुछ नहीं किया मैंने माइक को, कुछ नहीं, रिपेयरिंग को दिया ही नहीं था, बस ऐसे ही। सो दिस इज अ मिरेकल विच हैपन टू मी। एंड इससे मुझे एक सीख मिली है, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड, कि हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड रियली वर्क्स वेल। ओके, दैट इज वेयर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। क्योंकि मेरा गोल यही था, आई हैड दैट गोल इन माई माइंड कि आई वॉन्ट टू शूट वीडियोज फॉर यू, कुछ भी हो जाए वीडियोज तो बनाना ही है। सो दैट्स वेयर दिस वर्कड, एंड आई डिडंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम गॉड, I just prayed and thanked God for what I had. That is where we really are lagging behind. We have to thank God for everything what we have. But sometimes we have negative thoughts, negative emotions. उसको हम control कर सकते हैं। तो please आप सभी को मेरी तरफ से यही एक request है कि positive रहो, हैप्पी रहो और सभी को हैप्पी कर दो बस। और एक बात है कि जो आपके पास है
उसी में आपको सेटिस्फाइड रहना चाहिए, ठीक है। और आगे का देख लेते हैं, तो जस्ट सेट अ गोल, आपको कुछ चाहिए तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आप एक गोल रख सकते हो मन में कि मुझे ये चाहिए, ये करना है, उसी पे फोकस करो तो आपको वो मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस सच लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन योर लाइफ, देन प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसिस इन द कमेंट्स बिलो। इफ यू हैव एनी पॉजिटिव एक्सपीरियंस देन प्लीज डू शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Stay tuned for more videos on Let's Yoga with Kritika. Bye-bye. Namaste.